ॐ ज्ञानचिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधा कृष्णपदं सहगनावलितं श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तत्र कञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकौपतरूप्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय अभ्वादहलाद दायिने हिरण्यकशिपु वक्षातङ्कानकालये आज बहुत नरसिंहदेव के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ प्रकट दिवस है। अगर बाबा महोत्सव बाबा प्रह्लाद महाराज के कारण आया था। प्रह्लाद महाराज एक असुर पुत्र है, एक बहुत बुद्धिमान असुर हिरण्यकशिपु नाम, लेकिन विष्णु से शत्रुता पूर्ण असुर है और देवत है, दो प्रकार। तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित था क्योंकि विष्णु ने उसके भाई को मार डाला था, तो परिणाम स्वरूप वह विष्णु को भी मारना चाहता था। यह बकवास है, उन्होंने इसके लिए तपस्या करने की निश्चय किया और इस प्रकार सभी देवताओं को परेशान करने लगे। उसके सिर से लपटें निकाली और वे लपटें चारों ओर फैल गए। तो तब ब्राह्मण ने हिरण्यकशिपु के दौर किया। हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण के सामने प्रणाम किया। ब्राह्मण उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देने का फैसला किया। हिरण्यकशिपु ने अमर्त मांगी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि उनमें किसी को अमर्त प्रदान करने की क्षमता नहीं है। ब्राह्मण ने उससे कहा कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु ने कहा कोई मुझे किसी भी हथियार से न तो इमारत के अंदर या बाहर न हवा में और न ही जमीन पर मारने में सक्षम हो सकते हैं और मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा व्यक्तित्व हो सकता हूँ, आदमी हो सकता हूँ। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। हिरण्यकशिपु को विष्णु से इतनी नफरत थी कि उसने तीनों लोगों को जीतने और भगवान विष्णु को मारने का फैसला किया। उसने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की, लेकिन भगवान विष्णु को नहीं पा सका क्योंकि वह मूर्ख है। वह नहीं जानता था कि भगवान विष्णु कोई साधारण जीव नहीं है, उनका भौतिक शरीर नहीं है। इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु को पाना संभव नहीं है, लेकिन उसने सोचा विष्णु डर के मारे मुझसे छिप गए। हिरण्यकशिपु ने सभी देवताओं को अपनी सेवा में लगा दिया।
ब्रह्म और शिव को छोड़कर, दैत्य असुर ब्रह्म शिव और ऋषियों को पूछते हैं, लेकिन भगवान विष्णु नहीं, कृष्ण को नहीं। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण धर्म का पालन करने वालों के लिए, विष्णु की पूजा करने वालों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन गए हैं, हम जानते हैं। यदा हृदय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहा, भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं, या उनके मुख्य गतिविधि है। भगवान का दूसरा पेश है हिरण्यकश्यप अपने महान भक्त पुत्र को भी मरना चाहता था। जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब कयाधु गर्भवती थी, तब देवता उसे मारना चाहते थे, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि कयाधु एक महान भक्त को जन्म देगी और इसलिए उसे नहीं मारे जाने चाहिए। भक्ति समझ सकती है कि भगवान क्या चाहते हैं, और भगवान समझ सकते हैं कि भक्त क्या चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, भक्त समझ सकते हैं। भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन भक्त परमहंस भविष्य जानते हैं, नो फ्यूचर। इसलिए नारद मुनि भी इसके बारे में ही जानते थे। नारद मुनि एक महान भक्त थे जिन्हें भगवान ने अपनी भक्ति शक्ति प्रदान की है। इसलिए नारद शक्ति अवेश अवतार भक्त है। दरअसल सभी भक्ति उपदेशक शुद्ध भक्त महाभागवत में सभी शक्तिवेश अवतार है। भगवान उन्हें विशेष शक्ति प्रदान करते हैं ताकि वह अन्य लोगों को भक्त बन सके। नारद मुनि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को हर घर अपने आश्रम में लगे, वहाँ कयाधु को उपदेश देने लगा श्रीमद भागवतम कथा। लेकिन कयाधु ने भागवतम की बात नहीं मानी, वह अभी सो रही थी। हालांकि कयाधु के गर्भ में पल रहा बच्चा नारद मुनि की बातें सुन रहा था। प्रहलाद महाराज की जाए। सदगुरु वैष्णव बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमें सुधारा नहीं जाता है। हम नहीं जानते कि सदुसंग क्या है। तो सदुसंग का अर्थ है साधु के पास जाना और इस तरह से व्यवहार करने की साधु तत्व के बारे में बात करना चाहते हैं, पूर्ण सत्य। लेकिन अगर हम साधुओं के पास जाते हैं और अन्य लोगों के बारे में, समस्याओं के बारे में, मौसम के बारे में बात करते हैं, तो हमें इस संचार से कोई लाभ नहीं मिलते है। इसका मतलब है कि हम सुधार नहीं करना चाहते है। प्रहलाद और उसकी मान कयाधु दोनों ने कृष्ण कथा सुनी, लेकिन कयाधु भक्त नहीं बने। यही अंतर है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को तब भेजा जब वे 5 वर्ष के थे। सांदो और अमर का शुक्राचार्य के पुत्र के स्कूल में, शुक्राचार्य असुरों के आध्यात्मिक गुरु थे, असुर के चेहते थे। अब शिक्षक और छात्र मित्र है, पुराने दिनों में यह अलग था। शिक्षकों ने छात्रों के लिए बहुत चिंता दिखाई, क्या एक असुर गुरु सर्वोच्च भगवान के बारे में सिखाएगा। असुर क्या चाहते है, वे मुझे सिखाते हैं कि कैसे अच्छा खाना है, अच्छी जगह में रखना है, दूसरे लोगों से ऊपर होना है। हिरण्यकश्यप चाहता था कि आनंद शांत और अमर का प्रहलाद को यह शिक्षा दें ताकि वह विश्व के बारे में बिल्कुल न सोचे। लेकिन प्रहलाद बचपन से ही भौतिक दुनिया को बहुत खतरनाक जगह मानते थे, क्योंकि मैं और मेरा का एक बहुत मजबूत विचार है। इसी से ईर्ष्या और ईर्ष्या आती है। प्रहलाद ने राक्षसों के पुत्र सहपाठियों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा तो हिज क्लासमेट, मैं और मेरा को त्याग दो, सर्वोच्च भगवान की सेवा करो, उनके भक्त बनो, फिर तुम्हें सारी शांति और खुशी मिलेगी।
हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को दूसरी दिशा में ही चलते देखा। जब भक्त झाड़ होते हैं तो भक्तों को कष्ट होता है, या कष्ट क्या है, भगवत भक्ति से रहित भक्त चाहते हैं कि सभी उनकी सेवा करें, लेकिन अब वे अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, अब कोई उनकी सेवा नहीं करता। मेरा बेटा बुरी चीजें सीख रहे, आपको उसे अलग तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए, हिरण्यकशिपु ने कहा, लेकिन वह हमारे प्रशिक्षण को स्वीकार नहीं करता। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बुलाकर प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्य प्रहलाद को पढ़ने में असफल रहे, फिर अब वह खुद ही इसे पढ़ाने लगा। क्या आपको भौतिक चीजों को छोड़ना सिखाया जाता है? समग्र से क्यों जुड़ते हैं परिवार से, प्रहलाद कहते हैं, यही सब दुखों का कारण है। क्या कष्ट, इस संसार में कोई दुख नहीं है? असुरों को इस संसार में कष्ट नहीं दिखता और भक्त सज्जनों के लिए इस संसार को उपयुक्त स्थान नहीं मानते। रोग बुढ़ापा और मृत्यु को जन्म होते हैं। आप इस दुनिया को एक खुशहाल जगह कैसे कह सकते हैं? हम जो चबाते हैं उसे चबाते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमें बहुत खुशी मिलती है? बचपन से ही कृष्ण का भक्त बन जाना चाहिए। कौमारम् अचरेत् प्रज्ञो, तब भगवान सब कुछ संभाल लेंगे और कोई दुख नहीं होगा। जब भगवान कृष्ण हमारे सुध लेंगे तो कष्ट कहां से आएंगे? इसे हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बेटे को जमीन पर पटक दिया। क्या पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता है? यदि पिता पुत्र से विक्षोभ मिलते हैं, यदि पुत्र पिता की भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो पिता पुत्र को अस्वीकार करते हैं, या पुत्र पिता को अस्वीकार करते हैं, या भौतिक संसार में संबंध है, भौतिक संबंध है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को भी मारना चाहता था। या लड़का हमारे परिवार के लिए सब कुछ अशुभ लेकर आता है, या बकवासी, जहां भक्त है वहां भगवान है, जिस स्थान पर भगवान हो वह अशुभ कैसे हो सकते है? उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। वह डर गया और उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया जाए। एक बात जब भी संभव हो दूसरे लोगों को भक्त बनने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों को भक्त बनाने की कोशिश की। कौमारम् अचरेत् प्रज्ञो धर्मम् भगवतामिह, बचपन से ही भक्त बनने पड़ते हैं। यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन यह अस्थाई है, हम मृत्यु को टाल नहीं सकते। हालांकि इस जीवन को अर्थदा कहा जाता है। इस जीवन में एक अच्छी चीज अर्थ है, अर्थदा। अर्थ क्या है? या पैसे नहीं है, पैसे ही समस्या ही रहता है। जो भारत में पैदा हुए है वे अक्सर सोचते हैं मैं अमेरिका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाऊंगा और खूब अर्थ कमाऊंगा। और फिर उनका क्या होता है? कहीं तो आत्महत्या करने तक फैसला कर लेते हैं। पश्चिमी सभ्यता में रखना संभव है। पैसा वह नहीं है जो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वास्तविक अर्थ एक आध्यात्मिक लाभ है। कुछ लोग सोचते हैं कि वृद्धावस्था में आध्यात्मिकता में संलग्न होना आवश्यक है, कृष्ण भवाना अमृत है। ऐसा ही नहीं है। बुढ़ापे में मन बदलना कोई आसान काम नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं तुम वृद्धावस्था में इस कृष्ण भवनामृत को स्वीकार नहीं कर सकते। पुराना चाकू सुस्त है, पुराना चाकू नए चाकू की तरह नहीं कटता। प्रहलाद महाराज ने असुरों से कहा कि शिक्षा अब दूषित हो गए है, पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने इसे अपनी मां के गर्भ में प्राप्त किया, हमें भी ऐसे ही प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। पढ़ने वाला योग्य होना चाहिए। भौतिक शिक्षा में भी शिक्षक के बिना कोई शिक्षक नहीं बन सकता। भक्ति योग सिखाने के लिए शिक्षक को योग्य होना चाहिए। कृष्ण ने हमें पहले ही प्रक्रिया बता दी है। एवं परंपरा प्रथम इमाम रजस्व, इस शिक्षण को परंपरा के माध्यम से प्रसारित किया जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज ऐसे करते थे, यह सबसे महत्वपूर्ण है। परंपरा झूठी नहीं होनी चाहिए, परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। जब प्रहलाद महाराज को पता चला कि उनके पिता गलत दिशा में जा रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें बदलने की कोशिश की। उसने अपने पिता को उपदेश दिया, परंतु उसके पिता नहीं माने।
क्योंकि वह एक राक्षस ही असुर ही असुर असुरों भक्तों की नहीं सुनते। यदि आप असुरों को निर्देश देंगे तो उनका क्रोध बढ़ गए, वे कभी शांत नहीं होंगे। इस प्रकार की रानी कृष्ण के क्रोध बढ़ा। आप हर समय हरी हरी कहते रहते हैं, कहां है तेरा हरी? वह हर जगह है, यहां तक कि परमाणु में भी भगवान जो कुछ भी करते हैं, साथ ही साथ उनकी अनेक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रहलाद महाराज जन्म से ही भक्त थे, उनके पिता एक असुर ने उनसे पूछा, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? और अब भक्त ने भगवान इस कुल में है, इसलिए भगवान प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद को दर्शन दिए। रानी कृष्ण को बहुत पीड़ा रहा है, इसलिए भगवान ने उसे मार डाला। नरसिंहदेव के प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य प्रहलाद को प्रसन्न करना है। एक हिरण्य कश्यपु ने प्रह्लाद को बहुत पीड़ा दी, उसने उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया, उसे आग में फेंक दिया के बार उसे जहर देने की कोशिश की। प्रह्लाद को कुछ भी बुरा नहीं हुआ, क्योंकि वह 24 घंटे परमेश्वर के बारे में सोच रहा था। कृष्ण ने कहा, हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए प्यार विकसित करो, मेरे सेवा करो। यानी कश्यपु ने भगवान के रूप को देखा, लेकिन उस रूप को पहले कभी नहीं देखा था। वह अब समझ गया था कि उसके जीवन समाप्त हो गया था, लेकिन वह अभी भी भगवान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। उन्होंने नरसिंहदेव को चुनौती दी, नरसिंहदेव ने विशाल रूप धारण किया, उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ कर अपनी गोद मनुष्य का बल के मनुष्य का उसे बहुत गुस्सा आया। तीनों लोग भयभीत थे, देवताओं ने ब्राह्मण से संपर्क किया, लेकिन ब्राह्मण ने तो लक्ष्मी और नहीं शिव ऐसे कर सकते थे। परिणाम स्वरूप ब्रह्म प्रह्लाद की ओर मुड़े। जब प्रह्लाद नरसिंहदेव की गोद में बैठे तो नरसिंहदेव का मुख पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि नरसिंहदेव के न तो पिता थे और न ही माता, और समझते ही स्तंभ एक पिता और एक मान होने दे एक भगवान रामचंद्र महाप्रभु। हरे कृष्ण, जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रह्लाद महाराज की जय। श्री नरसिंह चतुर्दशी आविर्भाव महोत्सव, नरसिंहदेव आविर्भाव महोत्सव की जय। नित्य घोर प्रेमानंदे। परमानंद माधव चैतनेश्वर हरि ओम तत्स। हरे कृष्ण। अब लोग सुनना है कि जाना है? सुनना है। तो प्रह्लाद महाराज का चरित्र को आप पिछले संडे कौन कौन आए थे तो सुना आप लोगों ने कुछ, तो ये कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट संडे भी। अभी दो दिन बाद संडे और है, तीन दिन बाद कंटिन्यू रहेगा प्रह्लाद महाराज के उपदेश। प्रभुपाद जी ने छोटी सी पुस्तक लिखा है प्रह्लाद महाराज के दिव्य उपदेश, प्रह्लाद महाराज दिव्य उपदेश ट्रांसलेट टीचिंग ऑफ प्रह्लाद महाराज, बहुत छोटी पुस्तक है। तो अगर समय की अभाव है तो आज अभी बस आपको थोड़ा जिसमें बताएंगे कि प्रह्लाद महाराज से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है बहुत शॉर्ट में, और इसके डिटेल में संडे में आपको सुनाया जाएगा। तो आप लोग अपने आप से आप बताइए प्रह्लाद महाराज से क्या शिक्षा मिलती है। भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए।
भक्ति बचपन से करनी चाहिए। अभी हमने सुना कुमार आचार्य प्रज्ञा, ये बचपन से क्यों करनी चाहिए? तो पढ़ा क्या करेंगे, मस्ती कब करेंगे? फिर हम खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे कब करेंगे? फिर तो भक्ति करना बचपन में, बुढ़ापा में डिस बुढ़ापे में करना ना, बुढ़ापा में डिकंडिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो प्रभुपाद कहते हैं वी कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। कुत्ता जब छोटा होता है ना तो बच्चा होता है उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या कुत्ता जब बूढ़ा हो जाता है उसको सिखा नहीं सकते कुछ। वी कांट टीच ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। तो इस टाइम लग जाता बचपन से कोमर आचार्य प्रज्ञा, तो हमें ज्ञान देना कुमार अवस्था से। प्रहलाद महाराज अपने स्कूल में बच्चों के साथ खेलते थे, नहीं बच्चे बोलते चलो खेलेंगे लंच टाइम है, तो लंच टाइम में क्या करते थे उनको शिक्षा दे देते। और क्या शिक्षा मिलती है आप लोग बताइए? One should always think of God. Always नित्य स्मरण। उन्होंने जब पूछा गया कि क्या क्या बेटा पढ़ा तुमने क्या सीखा, तो पहली बार क्या कहा, श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद श्रवणम अर्चनम बंदम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन साख्यम ये अर्चना उनका भगवान विष्णु का स्मरण करना हमेशा। और प्रहलाद महाराज कभी भी ऐसा वक्त नहीं तो कृष्ण स्मरण नहीं कर, हमें डर भी लगता है या कभी प्रेम भी लगता है, उन्हें कोई डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि वो सरेंडर थे, मतलब समर्पित थे भगवान के ऊपर। हमें डर लगता है कि वो समर्पित नहीं है, समर्पित नहीं है पूरी तरह। अर्जुन को डर लग रहा था मेरा गांडी वहां से गिर रहा है, मेरा ओंठ मेरा कांप रहा है, अर्जुन को डर लग रहा था। मैं गुरु हता महान भगवान गुरु का हत्या नहीं करूंगा, साला सर हत्या नहीं करूंगा, डर रहा हूं कांप रहे हैं, पसीना पसीना छूट रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन वही अर्जुन फिर सबको मारा, डर नहीं था उन्हें। प्रहलाद महाराज को किसी का कभी डर नहीं था क्योंकि हमेशा भगवान के भी समर्पित थे, हमेशा समर्पित थे। क्या अवश्य रक्षित समर्पित सरेंडर का जो सिक्स लेवल सरेंडर है उसमें एक है कि अवश्य रक्षित है कृष्णा, कृष्णा अवश्य रक्षा करेंगे। अगर कृष्णा रक्षा करेंगे तो कोई मार नहीं सकता, राधे कृष्ण मारे क्या मारे कृष्ण राधे। तो भगवान में रक्षा करना चाहते कोई नहीं मार सकता। तो प्रहलाद के पिताजी ने उनको मारने के लिए बहुत तरीका अपनाया, दुनिया में कोई पाप नहीं करेगा अपने बेटे के साथ, पहाड़ों से फेंक देना, सांप का जहर पिला देना, आग में बैठा देना। जो होली आप लोग खेलते हैं किसी को पता नहीं है होली का दहन, होली तो प्रहलाद से शुरू हुआ था। होली का को गोद में प्रहलाद तो बैठा है लेकिन होली का की खुद मर गई। तो हाथी से कुचला देना, किसी भी तरह से प्रहलाद नहीं मर रहा था, जहर खिला रहे थे लेकिन वो डर नहीं था, मृत्यु का डर नहीं था। अवश्य रक्षित है कृष्णा, कृष्ण भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास। हमारे क्या मैं भी कृष्ण से रक्षा नहीं करेंगे तो चलो अपना ट्राई भी करते हैं। तो पूर्ण रूप से समर्पित भगवान को समर्पित करो, भगवान उनको रक्षा करेंगे। और क्या शिक्षा है? कृष्ण जीवन का परम लक्ष्य, अभी प्रभु सुनाया क्या है परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण भावना मुझे जीवन का परम लक्ष्य है। प्रहलाद महाराज सिखा जीवन का परम लक्ष्य, बाकी जो भी जिंदगी में आप करना चाहते हैं कमाना चाहते हैं ऐश्वर्य धन दौलत नाम यश दोस्त शक्ति रूप जितना कमाना चाहते हैं वो तो अपने आप आएगा अगर वो भाग में लिखा होगा तो। हम कर्म ना देव नेत्र ना, हम कर्म अपना कर्म लेके आते हैं, सुख दुख उसमें आता है, जितने भी कोशिश कर ले सुख के लिए तो अगर दुख लिखा दुख ही मिलेगा। कोई दुख के लिए भगवान प्रार्थना नहीं करता, सुख की प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे हमें सुख दे दीजिए सुख दीजिए। कोई प्रे करता है
गिव मी मिजरी, गिव मी मिजरी, गिव मी ट्रैवल, गिव मी ट्रैवल, कोई करता है? हाँ करते कौन? भक्त लोग कुंती महारानी कुंती महारानी प्रार्थना किया कृष्णा हमें दुख दीजिए, कष्ट दीजिए। जब जब दुख हो हमने आपको बुलाया और आप आए, क्यों? दुख में हर कोई भगवान स्मरण करता है, सुख में सब भूल जाते हैं। सुख में स्मरण करना कोई, सुख में सब भगवान भूल जाते हैं। पार्टी में गया भगवान भूल जाते, शादी में गया भूल जाते हैं। जो शादी विवाह संस्कार है अग्निदेव के सामने प्रतिज्ञा लेता है वो पूरा नहीं जाता, वो तो कोने में फोटो खिंचवा ली, पार्टी कर ली, सब चले गए बरात को, पंडित जी और दो परिवार बैठते एक कोने में, शादी कर ली। तो ये भगवान को हम जीवन का महत्वपूर्ण ही समझते हैं। प्रहलाद महाराज शिक्षा दिया जीवन के हर कुछ अपने आप आएगा, अपने आप आएगा कर्म के अनुसार, लेकिन कोशिश करना किसके लिए? कृष्ण भक्ति की, कृष्ण भक्ति लिए कोशिश करना। ये हमने शास्त्रों से कहा इंद्र तृप्ति जो हम कर रहे हैं, जो करने की इच्छा कर रहे हैं इंद्र, वो तो पशु जीवन मिल चुका हमारे को, पशु जीवन मिल चुका। तो बाकी वी शुड नॉट एंडेवर एक्स्ट्रा एंडेवर फॉर मेटेरियल बेनिफिट, मेटेरियल हैप्पीनेस दैट विल कम बाय इटसेल्फ। और क्या सच होती है? मतलब कोई गन्ने का रस पिया किसी ने? शुगर कैन जूस पिया किसी ने? कहाँ? बोतल में जो निकालते, देखा मैं जो शुगर कैन जूस निकालते हैं, तो जो निकालते हैं ना, तो जूस निकालने के बाद जो रह जाता है उसको बोलते हैं बागा से, नहीं पता आप लोग, उसको बोलते हैं बागा से। उसके आजकल प्लेट बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, उससे बिजली बनता है। तो जूस तो निकल गया, जूस निकलने के बाद क्या रह जाता है? वो बस सूखा है, भागा से कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। आप उसी को चुबा रहे, पुनः चर्म चरवाना जो चबा के फेंक दिया उसको चबा रहे हैं। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखा दिया, भैया देखो इस भौतिक जिंदगी में कोई आनंद सुख नहीं है, हम उसी में हम सुख ढूंढ रहे हैं, उसमें सुख ढूंढ रहे। और इस लीला से एक और की शिक्षा मिले हमारे को, नव फॉगर कृष्ण ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। ये रूप गोस्वामी भक्ति से संत शिक्षा दे रहे हैं, हमेशा भगवान का स्मरण करो और कभी भगवान को भूलो मत। तो प्रहलाद को हर सुख में, सुविधा में, दुख में कभी भगवान को भूले नहीं, हमेशा स्मरण की हमेशा स्मरण है कि अपने बच्चों को, दोस्तों को, सबको सिखाया स्मरण करो भगवान नाम रूप गुण लीला। एक और क्या था? डिटर्मिनेशन कि अवश्य लक्ष्य में कृष्ण, और कि भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी। ये हमारे अंदर इतना डिटर्मिनेशन है कि भगवान हमें रक्षा करेंगे और सर्वव्यापी भगवान है, भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मीन्स सब जगह है, ओमनीपोटेंट, सब जगह व्याप्त है। जो उन्हें पूछा गया तुम्हें भगवान कहाँ रहते हैं, तुम्हें रक्षा कौन देते हैं, कौन प्रोटेक्ट करा तुम्हारे को? जो आपको करते हैं मुझे करते हैं, कौन करते हैं यहाँ, कहाँ रहता है विष्णु, कहाँ रहता तुम्हारे विष्णु? सर्वत्र, इतना बड़ा विश्वास उनको सर्वत्र। एक रंश मत का डाउट नहीं हो, जो बोले ये खंभा में है, हाँ खंभा में है। हमें डाउट हो सकता है भगवान खंभा में कैसे हो सकते हैं? एटम, हर अणु परमाणु, हर अणु अणु भगवान है, खंभा में क्यों नहीं हो सकता? हर अणु भगवान है, सर्वव्याप्त है। इतना बड़ा उनका दृढ़ विश्वास था भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान रक्षा करेंगे। और रक्षा का आशा नहीं कर, रक्षा करेंगे ये आशा नहीं की उन्होंने, रक्षा का आशा नहीं किया, उसे हमेशा भगवान का स्मरण करना। और इस शिक्षा क्या मिल रहा हमारे को कि जब माता गर्भवती होती है तो बैठकर मोबाइल देखना, टीवी देखना, सिनेमा देखना, घर के कहानी देखना, मारपीट देखना,
तो बच्चे जान लेते सब पता है कि ये लड़का इससे प्रेम करेगा, लड़की उसको भाग ले जाएगा, मार खाएगा, वो शादी नहीं कर पाएगा। वो बच्चा छोटे बच्चा बोल देते हैं, वो बोल देते हैं इसको गोली मारेगा। ये टेररिज्म हो, चाहे वो प्रेम कहानी हो, चाहे वो घर घर की कहानी हो, सब बच्चे को पता होता है। कहाँ से? घर से, गर्भ, माता के गर्भ से। तो माता क्या करते हैं आजकल, ये सब करेंगे तो बच्चा जन्म नहीं दे सकेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज को जो पूछा गया कि बेटा तुमने सीखा कहाँ से, किसने पूछा था बताओ? उनके जो सहपाठी स्टूडेंट ने पूछा, प्रहलाद तुमने कहाँ से सीखा, बाहर वाले तो कोई आया नहीं गुरुकुल में सिखाने, तुमने कहाँ से सीखा? तो पता है मेरे पिता गए थे तपस्या के लिए, हाँ, और मेरे माता, उनके माता थे कयाधु, तो उनको देवता है इंद्र जैसे, देवता इंद्र जैसे देवता शर्म आना चाहिए उनको, जिनको आप लोग पूजा करते हो देवताओं को, तो देवता जाके स्त्री को चुरा रहे, बोले इनको इनको उठा के ले जाते हैं, क्यों नहीं, असुर के गर्भ में असुर है, इनके गर्भ में असुर का बीज है, ये असुर जन्म देगा। कितने तुच्छ देवता बताइए। तो वह नारद मुनि आए, बोले अरे अरे शर्म करो, स्त्री को चुरा रहे, स्त्री को चुरा रहे, अब सरकार किसी और का है, अब तो वुमेन एम्पावरमेंट है, अब उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्यों चुरा रहा, इनके अंदर तो असुर है। बोले असुर नहीं है, भगवान का भक्त है, भगवान भक्त है, तो देवता क्षमा मांगे और माता कयाधु के परिक्रमा करते हुए चले गए माफी मांग। और नारद मुनि उनको ले गए अपने आश्रम में, और नारद मुनि वहां रोज वहां पे भगवत कथा होता था, तो वो सुने। तो माता को क्या करना चाहिए, गर्भवती हो तो कृष्ण कथा श्रवण करें, देखे कृष्ण लीला, देखे पढ़े सुने, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करें, न कि टांग चूसते रहे, किसी का खून पीते रहे। तो बच्चे ध्यान रहते, बोले मुझे भी तो टांग नहीं चूसना है, कुछ चॉकलेट नहीं चूसना है, मिठाई नहीं खाना है, खून पीना है, बच्चे जन्म दिन मांगते हैं। ये माता को चाहिए जन्म से, जो सॉरी गर्भ में ही हमारे को कृष्ण। एक और बता दूं, बहुत सारी इनकी शिक्षा है, इन शिक्षा ले सकते हैं कि उनके अंदर किसी तरह कोई अहंकार नहीं था, रूप था, गुण था उनके अंदर, ऐश्वर्य था, पिता का संपत्ति था जिसके लिए सब दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह कोई अहंकार नहीं था। और एक लास्ट बता दें, प्रहलाद महाराज से नहीं, पूरी लीला से शिक्षा मिलती है हमारे को। इस दुनिया में प्रभुपाद के दो तरह लगते हमेशा रहा, सत्ययुग में युद्ध होता था, एक लोग दूसरे लोक में, देवलोक और पृथ्वी लोक में, त्रेतायुग में युद्ध होता था, एक देश दूसरे देश में, लंका और भारत में, और द्वापर में युद्ध हुआ, एक ही परिवार में, दो भाई में एक परिवार में। आज कलयुग में हम अपने आप से युद्ध कर रहे हैं कि सबके अंदर रावण है, सबके अंदर कंस है और हिरण्यकश्यप, हर को अपने आप से युद्ध लड़ाई, हर घर घर पे नहीं, हर एक मन मन पे, सबके अंदर राक्षस प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति को फेंकने के लिए आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु निकालने के लिए। तो राक्षस प्रवृत्ति क्या है कि आम ममे थी, मैं ही भगवान हूं, मैं सब कुछ मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं भगवान, मुझे कोई नहीं मार सकता, और मैं विष्णु को मारूंगा। सो जितने लोग दुनिया में सब लोग अहंकार करते हैं ना कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, और अहंकार होता है कि आई एम एथिस्ट, मैं अहंकार करता हूं, और उनके दल बन गए एथिस्ट। तो वही लोग तो वो हरिण्य कृष्ण सबसे दुखता है, जो मानता था कि विष्णु भगवान है, उनको मारना तो मैं भगवान बनूंगा। तो क्या शिक्षा दे रहा है उसमें, तो कितने भी आप तपस्या कर लो, कितने भी आप बड़ा से बड़ा तपस्या, हिरण्यकश्यप तो वैसे बहुत बड़ा था, उनकी तपस्या कर रहे थे, एक पांव पर खड़े थे, उनको
ऊपर एंट हिल, एंट हिल क्या बोलते हो, चींटियों ने घर बना दी, पहाड़ बना दी, आग निकल रहा था सर से, आग आसमान को छू रहा था, आसमान को छू रहा था आग, लेकिन फिर भी उनका तपस्या इतना है उठा कि बाद में ब्रह्मा जी खुद आए और कमल से चल छिड़ा कर उनको फिर जगाया उठाओ। तो क्या है कि जितना भी तपस्या कर लो भगवान से अब अगर हम शत्रुता करेंगे तो हमारा विनाश होगा, भगवान से शत्रुता करेंगे तो हमारा सर विनाश होगा। और शिक्षा दे रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे हैं कोई भी अमर नहीं हो सकता, चाहे जितना धनी हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, दानी हो, कुछ भी कर लो, लेकिन अमरता कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कहते मैं भी खुद अमर नहीं हूं, तुमको अमरता वर्णन कहां से दूं, मैं अमर नहीं बन सकता। और भगवान अपने भक्तों के बात को रखते हैं, ब्रह्मा ने उनको तो बोल दिया ठीक है तथास्तु, दिन में नहीं, रात में नहीं, सुबह नहीं, अभी तुम्हारे को घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, अरे किससे मरोगे, अभी तो सोचा नहीं था। अब भगवान जो है वरदान से ऊपर है, वरदान से सारे वरदान, भगवान ब्रह्मा जी के वरदान को मानते हुए, उनको एक्सपेक्ट करते हुए भगवान ने ये ऐसा रूप लिया, समान तो जा भगवान से बड़ा कुछ नहीं। तो आइए प्रहलाद महाराज के शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करें। सो प्रहलाद महाराज एक्सल्टेड डिवोटी, मोस्ट एक्सल्टेड डिवोटी प्रहलाद महाराज, मोस्ट एक्सल्टेड डिवोटी प्रहलाद। तो प्रहलाद का जीवन शिक्षा ले कि ये जीवन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ये जीवन पशु की तरह जीने के लिए नहीं है, ये जीवन हमारे को भौतिक कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए, जो भौतिक तरह दौड़े होते कुत्ते बिल्ली को आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये जीवन हमारे को कृष्ण भावनामृत के लिए, तो डेवलप ही कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति के लिए। तो भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हैं